महाराणा प्रताप मंदिर रथ यात्रा मानसूरा से निकाली गई। ये यात्रा विभिन्न इलाकों से गुजरती हुई वापस मासुआ महाराणा प्रताप मंदिर में समाप्त हुई। महाराणा प्रताप भगवान नहीं है, पर मंदिरों में भगवान और भारत में हिंदू हिंदुस्तान युग पुरुष महाराणा प्रताप की वजह से है। इसी प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतीक रीवा राज महारानी कुंदनी कुमारी नहीं होती तो रीवा राज और बघेलकर नहीं होती। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं इतिहास के रजत पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ऐसा संदेश देने के लिए त्रिनेत्र बिंदु संस्थान के लोग निकले रीवा में पद यात्रा और यात्रा लेकर मां शारदा मंदिर मैहर सहित विभिन्न इलाकों में उन्होंने ये यात्रा का आगाज किया। महाराणा प्रताप मंदिर स्थल मासुआ से हमारी टीम ने यात्रा निकालने वाले लोगों से बातचीत की। उनका कहना था युद्ध भूमि नैकहाई में हमने पहुँचे, वहाँ लोगों ने हमारा जमकर स्वागत किया। युग पुरुष महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना करते हुए सभी अमर वीर वरदानियों की छत्रियों का भी हमने पूजन किया। रीवा राज की महारानी अमर वीरांगना कुंदन कुमारी के साथ नैकहाई युद्ध के अमर वीर बलिदानियों शौर्य पराक्रम का वर्णन भी उन्होंने किया। आइए आपको सुनाते हैं हमारे एक सवाल के जवाब में आयोजकों ने क्या कुछ कहा। महाराणा प्रताप मंदिर पद यात्रा और रथ यात्रा समारोह 22 मार्च को ग्राम महसुआ से और 25 मार्च आपके तक माँ शारदा देवी मंदिर मैहर तक संपन्न हुआ और 25 तारीख को ही 6 बजे से और आपके नैकहाई से चौराहटा और ये आपका पुराना स्टैंड नया स्टैंड बतारा होते हुए ग्राम महसुआ में ये उस रथ यात्रा की पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुई यात्रा। ये रथ यात्रा क्यों की गई? ये यात्रा इस रथ यात्रा इसलिए की गई, देखिए कि जैसे हमारे जो युग पुरुष महाराणा प्रताप है तो वो जो है घास की रोटी खा करके देश की रक्षा की है। अगर वो नहीं होते तो भारत में जो एक बहुत आजकल चल रहा है आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हिंदू और हिंदुस्तान नहीं होता, अन्य मंदिरों में भगवान होते जी। दूसरा क्या है कि इसी तरह से जो है अपने रीवा में झांसी की रानी के प्रतीक कुंदन कुमारी नहीं होती तो ना ये रीवा राज होता ना बघेलखंड होता। यह संदेश देने के लिए यह रथ यात्रा निकाली गई है।